वेलकम बच्चों, एक बार फिर से आपको सैड का सिस्टम एनालिसिस डिजाइन के अंदर एसडीएलसी जो काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके थ्रू ये कॉन्सेप्चुअल है, एक फ्रेमवर्क है जिसके आधार पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वह सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। वो सीरीज चल रही है एक्चुअली, तो आज हम उसी का, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि टेस्टिंग क्या होती है और टेस्टिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और आज हम लोग एक उसी सीरीज का एक फेज है डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, और डिप्लॉयमेंट जो एक्चुअली टेस्टिंग हो जाने के बाद, क्वालिटी चेक करने के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर को कस्टमर को दे दिया जाता है, लेकिन उससे पहले भी, इंप्लीमेंट करने से पहले भी क्या क्या जरूरतें होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से एक डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे और कैसे इसको डिजाइन किया जाता है और क्या क्या टाइप्स होता है, तो इसको हम लोग आज विस्तार से देखेंगे। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर एक्चुअली टॉपिक है, और इसको समझने के लिए इसलिए पूरा देखेंगे और तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग अभी शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। यह है क्या चीज, इसको मैं देखता हूं पूरे प्रेजेंटेशन के साथ, जिससे सबको समझ में आएगी कि हाँ यह है क्या चीज। तो हमारे सामने है, इंप्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट, ये एक्चुअली क्या होता है कि मैंने बताया भी था कि यह प्रैक्टिकल फेज है जहां से हमारा प्रैक्टिकल मैंने कि काम करना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेट करके इनपुट ले करके आउटपुट देना शुरू कर देता है। तो ये चीज हम लोगों का वो फेज है जिसको हम लोग को देखना है, और यह है प्रैक्टिकल फेज होती है किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी सिस्टम के लिए। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट जैसे एक छोटा सा नाम है, डॉक्यूमेंट हमारे सिस्टम में भी होता है डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम लोग का कुछ बच्चे जो है, डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन, यह किस लिए होता है, तो एक्सप्लेनेशन को लेकर के किसी किस चीज का, तो एक-एक स्टेप सिस्टम का क्या फंक्शनलिटी है एक्चुअली, यह प्रोडक्ट कैसा है, कैसे काम करता है, इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल तक सब पार्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना, वह हो जाता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। मैं हमारे बीच में जैसे एक बच्चे ने बताया कि स्कीमा की तरह, स्कीमा भी होता है हमारा डाटाबेस में एक्चुअली, हमारा डाटाबेस कैसा हो, हमारा कंटेनर कैसा हो जिसमें डाटा रखते हैं, तो सेम वैसा ही है यहाँ पे। ये नताशा मलिक कौन है, इसको मैंने देखो पहले, इसको पहले बाहर करने दो, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। कुछ बच्चे जो है मुझे लगता है कि अनैतिक रूप से घुस गया है और इलीगल है आप सब, ये एक्चुअली लाइव वीडियो है इसलिए कुछ डिस्टरबेंस होगा ही होगा, इसलिए हम लोग इसको बाहर करते हैं। चलिए, हमारा एक डिस्टरबेंस खत्म हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग काम करते हैं तो डिस्टरबेंस पैदा होती है, जैसे आजकल जो कोरोना का जो कहर आ गया है, यह कोरोना किस हम लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है, किसी से नहीं मिल सकते हैं, बस हम लोग वर्चुअल बात कर सकते हैं। तो आज इस कोरोना की इस महामारी में हम लोग वर्चुअली सबसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और वर्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं, और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के, हमारा फ्यूचर ब्राइट हो उसको लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, और उसी को लेकर, क्योंकि हम लोग आईटी डिपार्टमेंट से है, आईटी बैकग्राउंड है,
तो इसलिए ये आईटी का ही एक पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जब आपका जॉब लगेगा किसी कंपनी में तो डॉक्यूमेंटेशन एक अलग प्रभाग ही होती है, एक अलग विभाग डिपार्टमेंट होती है जहां पे आपको डिपार्टमेंट वो डॉक्यूमेंटेशन करना है। एक्चुअली ये पूरा टीम इफोर्ट होता है, पूरा टीम मिलकर के इसको तैयार करता है, लेकिन ये भी एक उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपको ये काम करने का मौका भी मिलेगा। तो यूनिफाइड प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जितना जो हमारा प्रोजेक्ट है एक्चुअली, वह प्रोजेक्ट का पूरी इनफॉर्मली वह इंफॉर्मेशन दे सके, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है। यह अलाउ करता है कि क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंट है जिसे डिस्कस कर सके। क्वेश्चन से अराइजिंग बिटवीन स्टेक होल्डर एंड डेवलपर, एक्चुअली क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है कि हमारे सामने वाला जो कस्टमर है, स्टेक होल्डर है, वह पढ़ा समझा कि है क्या चीज एक्चुअली, तो फिर वह जो डेवलपर है उससे डिस्कस किया कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नहीं है या है या इसमें ये चेंजिंग होनी चाहिए। तो ये चीज क्या होता है कि हमको एक गाइडेंस देता है कि हमारा कैसा ऑपरेट होनी चाहिए सिस्टम, इसका आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, और इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शनलिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। अगर एक शब्द एक वाक्य में कहे तो इसका गोल क्या होता है, द मेन गोल ऑफ इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन इज टू इंश्योर दैट डेवलपर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर वर्क्स इन द सेम डायरेक्शन टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। स्वाभाविक है कि सबको एक तरह से ही सोचे, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है। यहाँ पे सिलेबस एक दे दिया गया जिसे सबको पढ़े, लेकिन सोचने पे डिपेंड करता है तुम लोग कितना मेहनत करते हो, कितना पढ़ते हो, उतना ही ऑब्जर्व करोगे। डॉक्यूमेंटेशन एज लाइक एक तरह का वह हमारा इंफॉर्मेशन ब्रोचर होता है जो स्पेशली हमको प्रोवाइड होता है वो कंपनी द्वारा। डॉक्यूमेंटेशन टाइप, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि क्या होता है, इसका टाइप्स देखेंगे और बेहतर तरीके से एक इमेज जो है ना दिमाग में क्रिएट हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन ये स्पेशली दो टाइप का होता है, दो कैटेगरी होता है, एक होता है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा होता है प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। जैसे नाम से समझ रहे होंगे, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि जो प्रोडक्ट बन रहा, जो आउटपुट एक्चुअली जिस सॉफ्टवेयर जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसके बारे में जानकारी। और प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हुआ क्या चीज, इंटरनली एक्चुअली हमारा प्रोसेस भीतर का क्या शेड्यूलिंग है, क्या उसका केसेस है, क्या उसके ऑपरेशंस है, क्या कोड्स है, उसके बारे में पूरी तरह से लिखना, दैट इज कम्स अंडर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, जो एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन दो टाइप का, एक सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और एक यूजर डॉक्यूमेंटेशन। जैसे नाम से भी समझ रहे होंगे, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन दो टाइप का, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और यूजर डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन जो हमने डेवलप किया एक्चुअली, यूजर डॉक्यूमेंटेशन मतलब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा कस्टमर है एक्चुअली, उस प्रोडक्ट का जो कस्टमर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना उसमें एक्सप्लेन करना, तो भी होता है इंड यूजर। इंड यूजर मतलब कि हम लोग जैसा हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो उसके अंदर कुछ ऑपरेशन में कुछ चेंजिंग कर सकता है। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो दो लॉगिन होता है, एक होता है क्या चीज एडमिन लॉगिन और एक होता है यूजर लॉगिन एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग इस ऐप के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हो गया एडमिन है होस्ट एज ए होस्ट, और तुम लोग हो गए यहाँ पे स्टूडेंट एज ए यूजर, दैट इज इंड यूजर्स। तो तुम लोग हो इंड यूजर और ये हमारा जूम हो गया प्रोडक्ट एक्चुअली, ठीक है, जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। तो लास्ट में हो गया इंड यूजर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। एक बार सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं और कि क्या है एक्चुअली, ऐसे इसका पिक्चर पूरी तरह से ड्रॉ हो गया दिमाग में, फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब द प्रोडक्ट डेवलप एंड प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म वेरियस टास्क विद इट, इसके साथ क्या क्या टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी हुई रहती है। यह दो तरह का होता है, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और एक होता है यूजर डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब द सिस्टम इटसेल्फ, जो सिस्टम को ही डिस्क्राइब करता है कि व्हाट इज सिस्टम, मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है या सिस्टम हमने जो डेवलप किया वो है क्या चीज,
एंड इट्स पार्ट, इसके जो जितने भी कंपोनेंट हो उसको डिस्क्राइब करेगा। इट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या इसमें जरूरत होगी उस सारा का एक्सप्लेनेशन होगा। डिजाइन डिसीजंस, कैसे कैसे इसको डिजाइन किया गया है। आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन, इसका जो बनावट है उसको डिस्क्राइब किया होगा। प्रोग्राम सोर्स कोड एंड हेल्प गाइड, सोर्स कोड किसका इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो हेल्प गाइड, जो हेल्प हर एक चीज में होता है एक्चुअली, और कहीं पे कुछ गड़बड़ होता है तो क्या हम कर सकते हैं जिससे वह गड़बड़ या एरर वो खत्म हो जाए, हर एक सिस्टम के साथ होता है, दैट इज हेल्प गाइड्स। यूजर डॉक्यूमेंटेशन कवर्स मैनुअल दैट आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर इन यूजर्स एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। एक्चुअली ये मैनुअली वन बाय वन, जैसे किसी सिस्टम को स्टार्ट करना, कोई फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, टीवी हुआ, मोबाइल ही हुआ, कोई भी आप सिस्टम लेते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट देता है। वह बुकलेट क्या होता है, बुकलेट में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि हाँ ये ऐसे काम करेगा, इसको ऑन कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करेंगे, अगर इसमें अगर आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो कैसे इनपुट देंगे और कैसे आउटपुट निकलेगा। जैसे एक प्रिंटर लेते हैं, प्रिंटर में देगा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंक डालते हैं, कैसे इसमें आप प्रिंट का ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, कैसे स्कैन करेंगे और कैसे इसमें आप स्कैन करेंगे, तो ये सारी जेरोक्स करेंगे, ये सारी चीजें जो है उसमें डिस्क्राइब होता है उस छोटे से बुकलेट में। यूजर गाइड्स जो मैं पहले बता दिया, ट्रबल शूटिंग मैनुअल्स, बहुत ऐसे चीज होते हैं एक्चुअली मोबाइल के साथ ही नहीं बल्कि कितने भी प्रोडक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक खासकर, उसके साथ एक ट्रबल शूटिंग मैनुअल्स देता है। जब कोई गड़बड़ होगा, जैसे शटडाउन नहीं हो पा रहा है या प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ जो ना सिंपल सा वहां पे एक ये दिया रहेगा क्या चीज कि कैसे आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी कस्टमर केयर में जब फोन करेंगे तो वह पूरा बताएगी वो कस्टमर केयर से कि आपको ये ऑन कीजिए, क्या यह कलर दिखाई दे रहा है। जैसे एक बार मेरे ही प्रिंटर गड़बड़ हुआ था, स्पेशली जो है ना उसका पावर ही नहीं आ पा रहा है, तो उसने ऑनलाइन किस पर फोन पे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो उसको मैंने किया था। दैट इज ट्रबल शूटिंग मैनुअल्स। एक्चुअली मैनुअली जो है ना एक एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसको रिमूव करना, इंस्टॉलेशन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे जैसे इसके साथ देता है ड्राइवर्स, तो ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए अब तो पहले तो सीडी देता था, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन जाते हैं और जो अपना प्रोडक्ट आईडी डाले और सीरियल डाले और वहां से डाउनलोड हो जाता है। प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, यह रिप्रेजेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस दैट डिस्क्राइब वेल प्रोसेस। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन आर प्रोजेक्ट प्लान्स, टेस्ट शेड्यूल्स, रिपोर्ट्स, स्टैंडर्ड्स। स्पेशली कैसे प्रोसेसिंग होता है, एक्चुअली हमारा वह सिस्टम कैसे प्रोसेस करता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिए रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज द कोलाबरेटिव इफर्ट ऑफ ऑल टीम मेंबर्स, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह सबके मिलकर यह डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है, सबका कंट्रीब्यूशन होता है। कन्वर्जन एक इसी का एक टॉपिक है, कन्वर्जन एक्चुअली। तो कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू सिस्टम। हमने सिस्टम डेवलप किया पुराना, जैसे हमने शुरुआती दौर में जो सिस्टम स्टडी किया था उसी का पार्ट था, जिसमें हम लोग स्टडी किए कि हाँ कैसे वह पुराना वाला इनपुट लेता था, प्रोसेस करता था, आउटपुट देता था, और बेहतर क्वालिटी के साथ नए सिस्टम को हम लोग डेवलप करने के लिए उसका स्टडी किया, कंपेरेटिव स्टडी किया, फिजिबिलिटी स्टडी किया, फिर डिजाइन किया, कोडिंग और टेस्टिंग करके फिर हम लोग आ गए इंप्लीमेंटेशन पे, जहां पे हम लोग इसको अब क्या करने जा रहे हैं कि कन्वर्ट कर देना है अब रियलिटी में। अभी तक क्या था कि इमेजिनरी, हम लोग अभी विजुलाइज कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अब क्या हुआ कि अब रियल में कन्वर्ट करना, डाटा को डाल करके उसको कन्वर्ट करना एक्चुअली, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो के रूप में तुम्हारे पास जा रहा है, मेरी बातें जो है, राहुल सिंह फिर लफड़ा सुटी को ला गया, फिर भगाने तो एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक राहुल नाम का फिर ले गया, घुस गया कोई, देखो राहुल सिंह,
एक अभी लड़की के रूप में आया था, पता नहीं क्या कैसे कोड कैसे मिल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स हर एक जगह रहते हैं, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये तो कहो कि मैं जो कर रहा था उसका नाम मैंने डिस्प्ले करने के लिए बोल दिया था कि डिस्प्ले हो रहा है। अब क्लास के दौरान तुम लोगों में किसी को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, कुछ नए भी शामिल हो जा रहा है, पता नहीं कैसे आ जा रहा है, कोड कैसे मिल जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। खैर एनीवे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू सिस्टम, एक्चुअली स्विच करता है एक सिस्टम से करता है, जिसको हम बोलते हैं रागिनी नाम की लड़की। तब बदमाशी से ये बंद कर दीजिए सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी मेरे दोस्तों, एक्चुअली ये लाइव क्लास है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको भी एंजॉय कीजिए, ये भी जिंदगी का एक पार्ट है। चूंकि लॉकडाउन है तो सबको अपने अपने घर पे जो है थोड़ा सा उब गया है, इसलिए चाह रहा है कि मैं कुछ बोल लूं, मैं लफड़ा शूटिंग कर दूं। खैर सबका अपने तरीके से सोचना है और उसको यूटिलाइज करना है। तो अब कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब कि कन्वर्ट करना, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जब चेंजिंग होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जो स्विच करते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्जन करते हैं, यह चार प्रकार का होता है। उससे क्या होता है, एक्चुअली जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वह रिक्वायरमेंट हमको उससे प्राप्त होता है, क्योंकि पुराने वाले से नहीं मिल रहा था, अब नए वाले से मिलना शुरू हो गया, एक्चुअली दैट इज कन्वर्जन। तो देयर आर सब कन्वर्जन, पायलट सिस्टम कन्वर्जन, डायरेक्ट पायलट कन्वर्जन और फेज्ड कन्वर्जन। हम लोग चारों को एक एक करके देखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। पहला है पैरेलल कन्वर्जन। पैरेलल मतलब कि एक साथ, ये जो फिगर आपने देख रहे हैं ये पैरेलल है, एक्चुअली दोनों के बीच का ना जो डिस्टेंस है सेम है, माने एक साथ अगर चल रहा है तो एक साथ चल रहा है, दैट इज पैरेलल, जो पहले से भी जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ओल्ड सिस्टम है और न्यू सिस्टम है, दोनों को कंपैरेटिवली जो है एक साथ वो करना है, ऑपरेट करना है, और धीरे जाकर के जब ओल्ड पे न्यू जब पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाता है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तब जाकर के यह चेंज हो जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो इसको बुलाता है पैरेलल कन्वर्जन, मतलब पैरेलल ही उसमें जो है ना इनपुट कंपैरेटिव जो है ना स्टडी करते 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 और जाकर के न्यू में कन्वर्ट कर देते। डायरेक्ट में क्या होता है, एक के बार सीधा सीधा डिसमिस, तुम नहीं रहेगा, सीधा खत्म, यानी कि ओल्ड सिस्टम को निकाल कर फेंक देना और फिर नया उस पर डाल देना, यानी कि हमारे इस डायरेक्ट वाला में डायरेक्ट कट ओवर स्ट्रेटजी क्या होता है कि जब कंपनी ये ओल्ड सिस्टम को तुरंत हटाकर नए सिस्टम को स्टार्ट कर देना, दैट इज डायरेक्ट कन्वर्जन। तीसरा है पायलट कन्वर्जन। पायलट कन्वर्जन मतलब क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट होता है, पायलट प्रोजेक्ट में क्या होता है, पहले एक पार्ट को जो है ना ऑपरेट किया जाता है, फिर अगर सक्सेसफुल हो गया तो दूसरे पार्ट को किया जाता है, और धीरे धीरे सारे पार्ट को कंप्लीट करके और पूरी तरह से उसको ऑक्यूपाई कर दिया जाता है, यानी कि शुरुआती दौर में एक हिस्से में सिंगल डिपार्टमेंट में एक सिंगल लोकेशन पे इसको ऑपरेट किया जाता है, और फिर इसी तरह से धीरे धीरे जो ना कंप्लीट करके पूरे नए को जो ना ऑक्यूपाई करा दिया जाता है, यानी सब में मकसद यही होता है कि हमको नए सिस्टम को लाना है, लेकिन तरीका अलग अलग हो जाता है। सबसे बेहतर तरीका होता है ये वाली, एक्चुअली ड्यूअल सिस्टम मेथड या फेज मेथड। दिस मेथड रिप्लेस द ओल्ड सिस्टम इन स्टेजेस वन बाय वन करके, एक एक स्टेज को जो है ना, जैसे मैंने आपको नोट्स दिया होगा तो हर एक बार ऑपरेट किया जाता है, आउटपुट है, फिर अगली बार किया तो उसको बेहतर वाला है, फिर तीसरी बार किया तो बेहतर वाला है, इस ढंग से इसको क्या है, यानी फेज वाइज करके हम लोग आउटपुट मतलब ये कन्वर्जन करके आउटपुट निकालते हैं। यूजर, ये सारा एक्टिविटी एक्चुअली जब तक ले हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन का डिप्लॉयमेंट का ही पार्ट है। यूजर्स कैन बी लर्नर और कॉम्पिटेंट, वह नौ सीखुआ हो सकता है या पूरी तरह से स्किलफुल हो सकता है, जो स्पेशली अब जैसा जो यूजर एक्चुअली उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग क्या चीज कि ये जो हमारा सिस्टम है एक्चुअली वो सिस्टम कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है,
इसके मेथड्स क्या क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और क्या क्या कैसे कैसे कोई प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा. एक्चुअली इसको ट्रेन किया जाता है. यूजर्स कैन बी लर्नर और ट्रेन. द अप्रोच अबाउट यूजर ट्रेनिंग इज टू लर्न हाउ टू यूज विदाउट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सिस्टम. ऑपरेट करना अब उसके भीतर में किस सिद्धांत पे काम किया है कौन सा लैंग्वेज है उसे कोई लेना देना नहीं. सीधा इसको ट्रेनिंग देना है कि हाउ टू ऑपरेट द सिस्टम. यूजर्स कैन ट्रेन बाय वेरियस मेथड्स. ऑल द मेथड्स हैव वन ऑब्जेक्टिव टू फॉलो अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. एंड एनालिसिस ऑफ यूजर ट्रेनिंग फोकस ऑन टू फैक्टर्स. यूजर कैपेबिलिटी, यूजर की क्या कैपेबिलिटी है और नेचर ऑफ द सिस्टम टू बी इंस्टॉल. जो हमारा सिस्टम है उसका नेचर क्या है जिसको हमको इंस्टॉल करना है. एलिमेंट्स ऑफ यूजर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग डिमोन्स्ट्रेटर एंड थ्रू विजुअल एड्स. एक्चुअली क्या है कि ट्रेनिंग देने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मेनली यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे भी. अगर अलग अलग किताब में देखेंगे अलग अलग साइट पे देखेंगे तो बहुत सारा मिलेगा. लेकिन मेनली यहाँ पे जो फिल्टराइज करके लाया गया है वो है तीन टाइप का. ट्रेनिंग डिमोन्स्ट्रेटर एंड थ्रू विजुअल एड्स. मतलब क्या चीज की इसमें क्या है कि जो हमारा यूजर होता है उस यूजर को ट्रेनिंग दिया जाता है डिमोन्स्ट्रेट करके वो भी विजुअल एड द्वारा. जैसे बहुत सारा चीज होता है जो वीडियो में मतलब कि आपको वीडियो में या बुकलेट में बता दिया कि कैसे कैसे उसको ऑपरेट होता है. एक छोटा सा क्लिप होगा हाउ टू ऑपरेट दिस सिस्टम और उसके द्वारा उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी हाउ टू ओपन हाउ टू इंटर द डाटा हाउ टू गेट योर आउटपुट. दिस ऑल इंक्लूड्स इन दैट विजुअल एड्स. ट्रेनिंग डिमोन्स्ट्रेटर एंड थ्रू विजुअल एड्स. ये रिपीट हो गया एक्चुअली ये रिपीट हो गया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा. लाइव डेमोन्स्ट्रेशन. लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या चीज कि पूरी तरह से जो हमारा सिस्टम है एक्चुअली उस सिस्टम में एक्चुअल डाटा को इनपुट किया जाता है. एक्चुअल डाटा को इनपुट करके ये बताया जाता है कि हमारा ये सिस्टम कैसे काम करेगा कैसे आउटपुट देगा. तो जो यूजर होता है वो समझता अच्छा ऐसे ये हम मम्मी डालेंगे तो उसके दिमाग में चलना होता है कैसे स्टार्ट करेंगे कैसे इसको हम ऑपरेट करेंगे और कैसे इसका हम आउटपुट लेंगे. तो वो पूरी तरह से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है. और थर्ड एंड लास्ट ये होता है ट्रेनिंग बाय रेजिडेंस एक्सपर्ट. एक्चुअली क्या होता है कि आपके रेजिडेंस पे ही इसका जो एक्सपर्ट होता है एक्सपर्ट जाता है और पूरा ट्रेनिंग पूरा सिखा कर ही आता है. इस तरह से कहे कि वह एज ए टीचर काम करता है. वह टीचर जो है ना टीचर के रूप में अपनी भूमिका निभाता है और पूरा ए टू जेड उसके ऑपरेशन को समझा करके उसको ट्रेनिंग दे देता है जिससे वह यूजर जो है ना ट्रेन हो जाता है और वह सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है. तो इस तरह से हम लोग यूजर ट्रेनिंग और इस तरह से अगर कभी कभी यह आ जाए स्टाफ ट्रेनिंग तो भी कंफ्यूज नहीं होंगे. स्टाफ ट्रेनिंग में भी यह आता है इसलिए इसको और कहीं पे क्वेश्चन आता है स्टाफ ट्रेनिंग तो वहां भी इसको शामिल करेंगे. थैंक यू सो मच. बी हैप्पी बी सेफ ऑलवेज योर्स मुन्ना भाई. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा और आप सबसे बात करके और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे. हाँ.